सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाय चुनाव कराने की हरी झंडी दिए जाने के बाद कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। 1 अप्रैल को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। ज़िले में 23 लाख मतदाता निकाय चुनाव में वोट डालेंगे। जल्द ही निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। कानपुर ज़िले में कुल 181 वार्डों में चुनाव होना है। 562 मतदान केंद्र और 1834 बूथों में मतदान कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे जल्द ही निकाय चुनाव होने की उम्मीद जाग गई है। वहीं निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर नगर निगम में सोमवार को पार्षद पूरे दिन TV पर नजरें गड़ाए रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद पार्षद नवीन पंडित, अभिषेक गुप्ता, लियाकत अली, निर्मला मिश्रा समेत अन्य पार्षदों व चुनाव की तैयारी कर रहे पार्षद पद प्रत्याशियों ने खुशी जताई। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय त्रिवेदी ने बताया कि नगर निगम के 110 वार्डों में चुनाव होगा। इसमें करीब 22 लाख मतदाता मतदान करेंगे। बाकी नगर पालिका परिषद घाटमपुर, नगर पालिका परिषद बिल्हौर, नगर पंचायत शिवराजपुर और नगर पंचायत बिठूर में मतदान होना है। करीब 1 लाख मतदाता अन्य जगह है। ज़िले में करीब 12 लाख पुरुष और 11 लाख महिला मतदाता हैं। घाटमपुर में 25, बिल्हौर में 25, शिवराजपुर में 11 और बिठूर में 10 वार्डों में चुनाव होगा। नगर निगम चुनाव के लिए 535, घाटमपुर में 10, बिल्हौर में 8, शिवराजपुर में 4 और बिठूर के 5 केंद्रों पर चुनाव होगा। निकाय चुनाव के लिए नगर निगम Zone 1 में ACM 4th, Zone 2 में ACM 2nd, Zone 3 में ACM 1st, Zone 4 में ACM 5th, Zone 5 में ACM 7th और Zone 6 में ACM 5th को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। घाटमपुर में SDM घाटमपुर, बिल्हौर में SDM बिल्हौर, शिवराजपुर में SDM बिल्हौर और बिठूर में SDM सदर को बनाया गया है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।